ये क्यों पैर रखी है? निकाल देती हूँ ना इसको अभी। क्या करना है? आपको पसंद करता हूँ मैं, आपसे शादी करना चाहता हूँ। कल को आपके पापा ये कहें कि मेरे बेटे को फंसा रही है और मतलब नौकरानी है घर की। किसी नौकरानी से शादी कर लूँ? वो कभी भी नहीं चाहिए। कब सर? ये पापा तेरी हिम्मत कैसे हुई नौकरानी के साथ? मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। अपने खानदान की इज्जत का जो ख्याल कर ले कुछ। मैं तुम्हारे को बेदखल किया जाओ। प्रॉपर्टी तुम्हारे बाप ने तुम्हें दी नहीं, तुम्हारे साथ भी भिखारी बन के रहूंगी क्या? तेरे से पैसे लेगी उसी चक्कर में तो ये वारिस है। राम दादी, तूने मेरे बेटे को वश में कर रखा है। आप ना तमीज में बात करो ठीक है? बुजुर्ग हो ना, इज्जत दे रही हूँ। इज्जत क्या दे रही है तुम मेरे को? गाली देनी मुझे भी आती है, गाली दूँ क्या मैं? गाली क्या देगी तू? मेरे बेटे को तूने फंसा रखा है जो करोड़ों का मालिक है। मैं क्यों तुम्हारे बेटे को फंसाऊंगी? और क्या क्या और क्या? मैंने कोई तुम्हारे बेटे को नहीं फंसा रखा ठीक है? बता 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 बोल क्या बोलूं? हाँ क्यों फसाया तूने? मैंने हाँ ऐसा है, मैंने कोई तुम्हारे बेटे को फसाया नहीं ठीक है। और ना ये जो तुम दिखा रहे हो ना मेरे को खन्ना खानदान, उस खानदान को ना वारिस देने वाली हूँ मैं। वारिस खाएगा देगी तू? हाँ कहीं पे कोई तुम्हारी शादी हुई है क्या? वारिस देगी तू तो क्या हुआ? हाँ शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? शादी भी हो ही जाएगी ना। तो ऐसे मैं काम कर रही हूँ इस घर में तो इतना तो हो ही सकता है ना। और तुम्हारा बेटा ना प्यार करता है मेरे से ठीक है? प्यार? हाँ। मतलब ये फसाने का काम करती है तुम? मैंने ना कोई फसाया नहीं है। हाँ। जब पता नहीं हो ना तो अपने बेटे से पूछो जाने जाओ। लड़कों को फसाती है, मालदार लड़के देख के फसाती है। मालदार की कोई बात नहीं आती यहाँ पे ठीक है? आपने बहुत ज्यादा बोल रहे हो। मैं इज्जत कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोले चले जाओगे। एक इज्जतदार खानदान की जो नाम मिट्टी में मिला रही है। हाँ तो इसी इज्जतदार खानदान की बहू बनने वाली हूँ ना। ये कह रहे हो किसने कह दिया बहू बन जाएगी? वो तो तुम अपने बेटे से ही पूछ लो ना। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा बेटा ना प्यार करता है मेरे से ठीक है? और दो साल हो गए हमें साथ रहते हुए। ये और जो तुम्हारे घर अब तो जो मर्जी कह जा। एक मिनट। और जो ये 6-7 हज़ार रुपए मुझे देते हो ना महीने के, पूरा तुम्हारे घर का काम करती हूँ जो, मेरे को ना यहाँ पे 20,000 रुपए मिलते पगार के। हाँ। कौन देता? कौन देता? कौन देता? आप घर का मालिक ये है तो आपको 20,000 देता कौन है? इनका लड़का जो प्यार करता है मुझसे। और तुमने ऐसे क्यों बोला कि खन्ना परिवार का खानदान मैं चलाने वाली हूँ? हाँ तो बिल्कुल प्यार इतना आगे बढ़ चुका, प्यार इतना आगे बढ़ चुका तुम दोनों का बिल्कुल बिना शादी के, तो तुम वारिस दे रही हो तो शादी तो हम कर ही लेंगे। तो तुम्हें ये नहीं पता कि ये खन्ना परिवार की नौकरानी हो तुम और खन्ना परिवार के बेटे के साथ शादी करना चाह रही हो? थी हूँ नहीं, होने वाली बहू हूँ मैं इस घर की। ये शादी किसने कह दिया? शादी उसका बाप ही तो कराएगा। शादी तो बेटा करेगा, बाप तो नहीं करेगा। और ये अगर उसको लावारिस कर दे वो उसको घर से निकाल देगा तो? पता था शक था तभी तो यहाँ पे तुम्हें बुलाया है। 2 साल से इनको पता है क्या चल रहा है मेरे और उसके बीच? क्या चल रहा? 2 साल से रिलेशन में है मेरे साथ वो। मतलब आप एक घर के, जिस घर में नौकरी करते हो उसी घर के मालिक के साथ आपने रिलेशनशिप चालू करा? मैंने चालू नहीं करा, वो खुद आया था मेरे तो पास। आपने उसको ये नहीं बोला कि जी हम इन सारी चीजों से दूर रहते हैं, हम तो काम करने आए हैं, हम तो घर पे मजबूर है तभी ये काम कर रहे हैं? हाँ, या तो फिर आपको दिखा कि मालिक बंदा आ रहा है ठीक है तो ओके सब? तो मेरे को भी तो अपना परिवार चाहिए। मैंने अच्छा क्या तो परिवार इस तरीके से चाहिए? मेहनत से आपका परिवार नहीं चल सकता? एक मिनट, वो मेरे से प्यार करता और मैं भी उससे प्यार करती। आपका प्यार कब से चालू हुआ? मतलब आप पहले से उसको जानते थे, स्कूल साथ पढ़े थे, कॉलेज उससे पहले कब से जानते थे? इसको प्यार नहीं बोलते, इसको जरूरत बोलते, जो आपकी जरूरत पूरी हो रही है वहाँ पे। जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है। वो आपकी नजरों में? मेरी नजर में नहीं है। आप जो कह रही हो मुझे प्यार हो गया, कैसे प्यार हो गया जी? घर पे नौकरानी हो आप, मालिक के साथ प्यार कर रहे हो तो मैं उसमें आपको एक चीज बता दी, अगर मेरा इसके साथ कुछ भी होगा तो कल के दिन मेरे माँ बाप के पास पैसा होगा। और आपकी जो जिंदगी पहले, चलो काम वाली जो नौकरानी होती है ना इस तरीके की साड़ियाँ पहनती नहीं है, पहली बात तो ये है। तो मैं खन्ना खानदान के यहाँ पे नौकरी करती हूँ, अभी मैं फटी फटी साड़ियाँ पहनूंगी तो क्या इज्जत रहेगी इनके खानदान की? अच्छा, है? हाँ। अच्छा नौकरानी फटी हुई अगर साड़ी पहनेगी तो इनके इज्जत? तो खानदान इनका खन्ना खानदान है तो कुछ तो नहीं। खन्ना खानदान की नौकरानी अगर फटी हुई साड़ी पहनेगी तो इनकी इज्जत कम हो जाएगी है? और खन्ना खानदान की नौकरानी अगर खन्ना खानदान के बेटे के साथ शादी करेगी तो इनकी इज्जत ऊपर हो जाएगी, बढ़ेगी इज्जत, बहुत बढ़ेगी है। तुम्हारा बेटा मेरे से प्यार करता, मैं नहीं गई थी उसके पास, वो आया था मेरे पास। अब ये जो अपने मुंह से जो मर्जी कह जाओ। एक मिनट, नीचे बैठो जी, आप नीचे बैठो।
खड़े 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 हो जाओगे, पता नहीं लगेगा, बैठो आप। कैमरा स्टार्ट करियो। हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के, होपो के सारे बढ़िया। यहाँ पे मैं अगर बैठा हूँ ना तो मैं अकेला नहीं बैठा, यहाँ पे दो लोग तो मेरे साथ बैठे हैं लेकिन उसके साथ ना 500 मच्छर भी हमारे आसपास घूम रहे हैं। और वो मच्छर पता है क्या कर रहे हैं, हाथ पे काट के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आज खन्ना परिवार की नौकरानी हमारे साथ बैठी हुई है और खन्ना खानदान की नौकरानी को खन्ना खानदान के बेटे के साथ प्यार भी हो गया। क्यों, आप बचपन में उनके साथ स्कूल जाती थी? जरूरी तो नहीं है कि कोई भी चीज चाहे तो बचपन से ही हो। चलो, उसके बाद बड़े होके कॉलेज गई थी? नहीं। उसके बाद बड़े होके इंस्टीट्यूट गई थी? हम मिले थे। उनके साथ आपने कोई क्रिकेट खेली थी, कहीं गेमिंग प्लेटफॉर्म पे मिले थे क्या? पहले इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो बैक करते थे? कुछ भी तो नहीं करते थे ना। आप एक नौकरानी बन के इनके घर पे गई थी, और मैं आपको इस चीज़ में गलत नहीं कह रहा, मैं आपको सिर्फ इस चीज़ में गलत कह रहा हूँ कि आप कह रही हो कि खन्ना खानदान को मैं क्या करने वाली हूँ, क्या बोलते हैं उसको, क्या संभालने वाली, क्या क्या बोल रही थी, देने वाली। इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने क्या मतलब बचपन से ही सीखी हुई है? इस खन्ना बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ मैं, कोई आपको ये नहीं है कि मैं इनके घर में रहने के लिए इनसे बोल रही हूँ मैं। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप कह रही हो कि मैं इनके बेटे के साथ शादी करूंगी, कैसे करोगे? मालिक को पता नहीं आप शादी करने के लिए तैयार हो? जिनके साथ मैं रहती हूँ, यानी कि नहीं, लोग इनको क्या बोलेंगे, लोग इनको क्या बोलेंगे कि आपको दुनिया में और कोई लड़की नहीं मिली, आपने अपनी नौकरानी के साथ अपनी बेटी के साथ शादी करवा दी? इंसान तो हो, हमने कब बोला कि आप इंसान नहीं हो? लेकिन इनके घर पे जो मेहमान वगैरह सारे आते होंगे वो तो देख के जाते होंगे, और आप कह रहे हो कि मेरी भी तो जरूरतें तो थी। क्या हो गया, इनका घर तो मैं वैसे भी मैं ही संभाल रही हूँ ना, और शादी करके भी मैं ही संभालूंगी, तो फर्क क्या है? नहीं, जो नए मेहमान आएंगे वो आपको नौकरानी बोलेंगे, मालकिन बोलेंगे, वो जानना चाह रहा हूँ मैं। सब जाहिर सी बात है ना कि जब बेटे से शादी होगी तो वो नौकरानी तो नहीं बोलेंगे ना। और रही बात काम की, इनके घर में शुरू से मेरे को पता है कौन सी चीज कहाँ रखी है, मैं शुरू से कर रही हूँ तो आगे भी मैं करूँगी तो बेटर है ना, उसमें परेशानी क्या है? नया कोई आएगा उसको बताना पड़ेगा कौन सी चीज कहाँ है, किसको, मतलब ये तुम इनके लड़के के पास नहीं गई, लड़का खुद ही आया तुम पे? हाँ। लड़के ने शादी का बोला या तुमने शादी का डंडोरा पहले से पहल दिया? उसने ही बोला है मुझे, और मैंने नहीं बोला, इनको भी मैं कुछ नहीं बोल रही, मैंने आपको भी कुछ नहीं बोला। आप अभी आप 2 साल से उनके साथ हो और अब आप शादी करने वाले हो? हाँ जी। और आप खन्ना खानदान में वारिस देने वाले हो, मतलब बराबर के हिस्सेदार होने वाली हो, मतलब खन्ना खानदान में आने वाले टाइम में जो भी बच्चा होगा वो आपका होगा? बिल्कुल। और अगर आप नहीं चाहते, आपको लगता है कि मैं इस खानदान की बहू नहीं बन सकती, आपको जो भी प्रॉब्लम है, तो सीधी बात इतनी सी है कि जो वारिस में देने वाली हो प्रॉपर्टी आपको मेरे नाम करनी पड़ेगी, तभी ही मैं जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। तो ये वारिस आपने इसलिए करवाया कि आप प्रॉपर्टी ले पाऊं? मैं क्यों करवाऊंगी? तो फिर ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई? तो मैं लेके कहाँ जाऊंगी? अगर आप तो प्यार करती है ना तो प्रॉपर्टी एक मिनट मैं आपको समझा देता हूँ, आप मेरे को समझाओ मत पहले। तो आप जो किताबें पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो ना, वो किताबें पढ़ के बैठ चुका हूँ। अभी आपने बोला कि मैं इनके बेटे के साथ प्यार करती हूँ, और जरूरी नहीं है कि बचपन से अगर कोई आपके साथ ना हो तो बड़े होके प्यार नहीं हो सकता ना, मतलब आप सच्ची वाला प्यार करते हो, है ना? उसके बाद आपने क्या बोला कि मैं खन्ना खानदान में वारिस देने वाली हूँ, तो मतलब खन्ना खानदान में कभी भी जो बच्चा होगा वो आपका होगा, आपका खून होगा। अब आप कह रहे हो कि अगर आपको नहीं रखना, अगर आपको निकालना तो आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, तो प्यार के बीच में प्रॉपर्टी कहाँ से आई? क्योंकि ये मेरे को निकालना चाहते हैं, मैं निकलना नहीं चाहती, इसलिए। और इनका प्यार है, मैं उनके साथ। आप लोगों को लगता है कि ये प्यार है या फिर प्रॉपर्टी है या फिर पैसे का चक्कर है? बाबू भैया समझ नहीं आ रहा, कुछ तो है। अब ये सच्चाई पता है कब बाहर आएगी? जब इनके खन्ना खानदान के परिवार के जो खानदान के बेटे यहाँ पे आएंगे, जो कि ये कह रही हैं कि वो मेरे प्यार में पागल हैं, तब ही पता लगेगा, तब तक कुछ पता नहीं लगेगा। भाई साहब इनसे मैं क्या ही बात करूं, ये तो खुद बेचारे बोल ही नहीं पा रहे, बोलने से पहले खांस रहे हैं, इनको कुछ बीमारी हो जाएगी वो मेरे पल्ले बढ़ जाएगी, क्योंकि अमीरों से जितना साइड रहो उतना अच्छा लगता। और ये तो आज मेरे सामने एक नई सी चीज़ आई है, खन्ना खानदान की नौकरानी खन्ना खानदान की बहू बनने वाली है।
तो ये सारी चीज़ें अब आपको आगे वीडियो में पता लगेगी। जो भी होगा प्लीज़ देखना, चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने हमारा नया चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसके लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाके सब्सक्राइब कर देना अजय भाई प्रैंक के नाम से, तो उस पर बढ़िया तगड़ा प्रैंक आने वाला है, तो जाके सब्सक्राइब कर देना। बाकी अभी क्या होता है आपको मैं समझा, आप एक काम करो, आप अपने होने वाले पति देव को बुलाओ, खन्ना खानदान के बेटे को यहाँ पे बुलाओ, अगर वो आपके प्यार में अंधा होगा तो यहाँ पे ज़रूर आएगा। ठीक है मैं बुला लेती हूँ। आओ भाई। कैसे हो? बढ़िया। यहाँ पार्क में क्यों बुलाया? बैठो। मैंने आपको मिलने ही बुलाया था। बैठो बैठो बैठो। यहाँ पार्क में क्यों? अरे बात करनी थी आपसे मेरे को। तो पास आके बैठो ना। क्यों यार? क्या बात हुई? कुछ नहीं, बस मेरे को ऐसी आपसे बात करनी थी, मतलब। तो इतनी गर्मी में इस पार्क में क्या, क्यों? अरे यार आपके घर से आई हूँ ना, और आप तो कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में चलते, कहीं वहाँ पे खाना पीना खाते, यहाँ पे क्यों बुलाया? हाँ, तो इसको चेंज करके चलते ना। क्या इसको चेंज करके? हाँ, पापा के सामने मैं तो... वही मैं देख रहा था, मतलब मेरे पापा के सामने। आपके तो घर से आई हूँ ना मैं, और ये सब पहन के आपको पता है घर में काम। तुम घर से ही आ गई क्या सीधा? और क्या, तो चेंज तो करना था ना, ये क्यों पैर रखी है? ये घर का लिबास यहाँ पैर के घूम रही है। पापा के सामने क्या मैं वन पीस पहन के आती? तो घर पे से निकाल देती हूँ। क्या निकाल देती हूँ ना इसको अभी? हाँ यार अनकम्फर्टेबल लग रहा मेरे को, आपको पता है मेरे से साड़ी वाड़ी में कहाँ काम होता है। तो चेंज करके आना चाहिए था ना यहाँ, कहाँ चेंज करोगे तुम? चेंज कहाँ करना है मेरे को, मतलब मेरे को तो मतलब ऐसी तो हो निकाल और क्या करना है। पीना 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 कोई नहीं, करना क्या है मुझे? आपके पापा को दिखाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, आपको पता ही है ना। तो यहाँ पे कुछ यहीं पे भारी, ये चेंज करके आना चाहिए था ना। हाँ हाँ चेंज करके आना चाहिए था, तो आपके पापा नहीं देख लेते, बोलते कैसे कैसे रह रही है ये फिर। अभी ठीक है, ये सब ना उतार के आना था ना, तब ये सब कुछ अच्छा आपके पापा के सामने में ऐसे आती ना। इतनी तोले की लपेट रखी है तुमने, जब वन पीस ही पहनना था तो वन पीस ही पहन के आना था ना। यार मैं आपके घर से आई हूँ, बोल तो कितना बोलूँ। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, मैं सही में बवाल हो तुम, यहाँ पे पार्क में बैठ के अचानक से मैं भाई ये शौक हो गया, ये क्या हो रहा है? कोई नहीं, अब मेरे को ये बताओ कि जैसे आगे के बारे में क्या सोच रहा है आपने? आगे के बारे में शादी करेंगे। शादी करेंगे? हाँ। तो शादी मतलब... करेंगे, रहेंगे साथ एक दूसरे के साथ में, बाकी सैलरी मैंने बढ़ाने की सोची थी तुम्हारी, देखा मैंने कुछ। अच्छा तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे ना, मैंने सोचा मैं थोड़े से तुम्हारे पैसे अलग से निकाल के दे दूँ उसमें से थोड़े और। और आपके पापा को पता चला फिर? पापा से मैं संभाल लूँगा ना पापा को, पापा की क्या जरूरत है? पक्का तुम्हारे खर्चे मैं देखता हूँ ना, तुम्हारे अच्छा? को सैलरी देने का काम मेरा। आप ही बताओ ना मेरे को कि मतलब मैं आपके घर में काम करने आ रही थी, तो आपने मतलब ऐसा क्या देखा या आपको ऐसा क्या लगा, मतलब जो आप मेरे से बोलने लगे कि मेरे को शादी करनी है आपसे, आपके साथ रिलेशन में रहना है या सब? ये सब क्यों पूछ रहे हो वैसे? नहीं मैं यहाँ बाहर बुला के मेरे को होगी। अरे नहीं वो ना मैंने आपको बुलाया इसलिए। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ। तो हुआ क्या? अरे मैंने आपको इसलिए बुलाया, पता है क्या हुआ ना कि मैं मतलब काम कर रही थी घर में, तो मुझे लगा मेरे मन में सवाल आया ऐसे, तो मेरे को लगा कि यार मैं घर में नहीं पूछ सकती, पापा देख लेंगे आपके, तो मैंने कहा एक काम करती हूँ मैं बाहर बुलाती हूँ, मैं बाहर जाके आपसे बात करती हूँ। तो यही जगह मिली पूछने के लिए, और वो भी ऐसा सवाल? कितनी बार तो बताया मैंने कि आपको पसंद करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ वो अलग बात है, आप मेरे घर में और कल को आपके पापा ये कहें कि मेरे बेटे को फंसा रही है और ज़बरदस्ती कर रही है और मतलब नौकरानी है घर की। वो तो खैर वो सोचते ही होंगे ना, मतलब पता चलेगा उनको तो बुरा लगेगा कितना मतलब ज़्यादा। तो मैं मतलब मैंने आपको फंसाया है क्या? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है फसाना, मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे। आप शादी करना चाहते हो वो ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये कल को सपोज करोगे अपने आपके पापा ने देख लिया। हाँ। और वो बोलेंगे कि घर की नौकरानी है, इसने मेरे बेटे को फंसा लिया, इतना अमीर देख के। मतलब देखो 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 तुम वाक्य में अगर ऐसी हो यार मैं ऐसी तो मैं सोचूंगी ये सब कि हाँ कि मेरे बाप ऐसा बोलेगा, लेकिन अगर तुम वाक्य में मेरे से प्यार करती हो ना तो मैं अपने पापा से भी बोलने के लिए तैयार हूँ। इस चीज को फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे घर में काम करते हो, नौकरानी हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। 2 साल हो गए हैं, मैं तभी आपसे मैं बार बार पूछता हूँ शादी के लिए आप टाल देते हो।
आप मेरे को बताओगे बोलोगे तभी तो मैं आगे कुछ मैंने तो शादी के लिए कहा मना किया मैंने। मेरे घर वाले मेरे पापा है ना कभी भी नहीं मानेंगे कि कभी खन्ना खानदान का एक लौता वारिस हूँ मैं ना अपने घर में एक लौता हूँ। मैं भी तो सुनो मेरे फादर कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं किसी नौकरानी से शादी कर लूँ, वो कभी भी नहीं चाहेंगे। देखो इनडायरेक्टली मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा बट मैं उनको नहीं ये बोल सकता, मतलब वो नहीं करवाएंगे कभी भी राजी नहीं होंगे। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ मैं उनको तो बोल हम कैसे शादी करेंगे, मतलब आपके फादर नहीं करवाएंगे और फिर वो मतलब मेरे को निकाल दें घर से ऐसे तो क्यों निकाल देंगे भाई, मैं शादी मैं वारिस हूँ उस घर का, क्यों मेरा कोई हक नहीं है क्या यार। देखो मैं शादी करना चाहता हूँ तुम्हारे से, क्यों ऐसा सोच रहे हो तुम गलत सलत, वो गुस्सा उनका अपनी जगह जायज है। मैं वारिस देने वाली उस खानदान को तो मैं भी तो प्रॉपर्टी की हिस्सेदार हुई ना। प्रॉपर्टी की हिस्सेदार फर्स्ट चीज देखो वो बात की चीज है, पहले अभी आपने शादी का मेरे को कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया है यार। तो शादी कर लेंगे ना हम, तो शादी में बोल तो रहा हूँ शादी की, मेरे को एक डेट तो बताओ। डर लगता है ना वो मेरे को पता है पहले क्या, मेरे को गाली बकेंगे यार, मेरे को बोलेंगे कि तूने मेरे बेटे को फंसा लिया घर में नौकरानी है काम करती है तुम्हारे रिश्तेदार, क्या बोलेंगे। जब शादी कर लोगी ना तो ना वो गाली बक सकते हैं ना वो बकेंगे, पहली चीज। दूसरी अगर यूं ही मेरे को भी ऐसे ही घुमाना है ना तुम्हें, यूं पार्कों में बुलाना है और दो साल तुम बोल भी रही हो बता भी नहीं रही हो कि शादी करनी है कि नहीं करनी, तो पक्का बोलेंगे। लेकिन उनसे मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूँ तुम्हारे लिए, तुम क्यों नहीं समझ रहे, तुम मेरे को कम से कम बोलो। मैं काम ना कर रही हूं यार, मैंने तो तुम्हें कुछ ये नहीं कहा कि मतलब मेरे को नहीं करनी है कुछ भी ऐसा, तुम्हें देखो देख कुल मिला के तुम्हें मैं कह रहा हूँ ये प्रॉपर्टी वाली जो तुम बात बोल रहे हो ना पूरा वो घर मेरा ही है, वो घर मेरा ही है, मैं घर का वारिस हूँ ठीक है। और मेरे शादी करने के बाद तुम्हारे से तो तुम्हारा भी हुआ, तो ये बात तो मायने ही नहीं रखती तो मतलब यार जो तुम ये चीज पूछ रही हो। कल को मैं इस खानदान को वारिस देने वाली हूँ ठीक है, और अभी आपके फादर को पता नहीं है कुछ भी हमारे रिलेशन के बारे में या शादी के बारे में, और कल को उन्होंने आपको भी निकाल दिया, तो मैं मतलब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी इस वारिस को लेकर, मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी। तुम मेरे साथ रहोगी ना यार, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको ही निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। मेरे को तो वैसे भी निकाल देंगे, बोल तो रहा हूँ मेरे को तो वैसे भी निकाल देंगे, मगर मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा ना, तुम मेरे से प्यार करती हो ना हाँ। तो रह लोगी ना मेरे साथ, तो बस तो इस चीज़ की कोई फिक्र ही नहीं है। मेरे को निकाल मैं उससे पहले बात करूंगा, मैं पूरी बात करने की कोशिश करूंगा, हम मना लेंगे ठीक है। देखो हमारे मेरे को देखो पैसों की ना यार दिक्कत हो जाएगी, मैं बस इसलिए बात कह रही हूँ आपसे और कुछ नहीं है, बस पैसों की नहीं तुम्हारी मतलब। देखो अगर कल को आपको निकाल दिया कल को आपको निकाल दिया मतलब मेरे को भी निकाल ही देंगे, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी बच्चों को लेके, और कहीं नहीं मेरे जाओगी को तो मेरे साथ हो जाएगी, पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी कहाँ से क्या। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, मैं हूँ ना साथ, मैं कहीं चला थोड़ी जाऊंगा, पैसों की दिक्कत तुम्हें कैसे हो जाएगी, काम करूंगा मैं। देखो अगर मेरे फादर फिर भी नहीं मानते ना, मैं काम करके एक पैसा जोड़ के मैं तुम्हारे को मैं आराम से कमा लूंगा ठीक है, इतना मेरे को काम आता है, इतना मैं पढ़ा लिखा हूं। आपके रिश्तेदार क्या बोलेंगे कल को मेरे को, मुझे उस चीज की परवाह नहीं है, मुझे नौकरानी ही बोलेंगे ना, वो तो नहीं बोलेंगे तो फिर वो तो मेरे पापा भी निकाल देंगे तो फिर। बोल तो रहा हूँ मैं कमाने के लिए मैं तुम्हारे को रखने के लिए तैयार हूँ, तुम क्यों टेंशन ले रही हो इतना, क्यों परेशान क्यों हो तुम आज इतना, कभी तो तुमने ऐसी बातें करी ही नहीं है, नहीं ऐसी हमेशा खुश रहती थी, मतलब बस इसलिए आपसे मैं पूछ रही थी आज, क्योंकि ना मेरे को कुछ अंदर से मतलब लग रहा है कि तुम्हारी सैलरी में पैसे कम तो नहीं लग रहे तुम्हें। मेरे को और कोई चीज की टेंशन नहीं, मेरे को बस टेंशन इसी चीज की यार कि कल को मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम इतना परेशान हुए जा रही हो, पता नहीं क्यों टेंशन ले जा रही हो, जबकि तुम्हें पता है यार मैं टेंशन कहां ले रही हूं, मगर मेरे को डर लग रहा है, मैं आपसे वो कह रही हूं और कुछ नहीं कह रही यार। इतने टाइम से हम साथ रह रहे हैं, दो साल हो गए हमें, अब कब ये पापा ये क्या है, ये तेरी हिम्मत कैसे हुई नौकरानी के साथ ये बारिश की और ये मालकिन की बात कर लेगी, क्या कर रहा हूँ मेरे को बताना पड़ेगा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। पापा शांत हो जाओ, तो आप गलत समझ रहे हो, आप बैठो तो सही। नहीं क्या बैठूँ मैं, पापा मेरी बात तो सुनो कम से कम, खन्ना खानदान की तुम इज्जत लुटाने में लगे हो, मेरी बात तो सुनो, मैं जो कहना चाहता हूँ आपसे कम से कम वो तो सुनो जो मैं कभी कह नहीं पाया आपसे ना, मेरी पापा मेरी बात सुनो प्लीज। मैंने तो आपको बोला था आपका बेटा मुझसे प्यार करता है, मैं आप मेरी बात तो सुनो, अरे मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि आपका बेटा मेरे से प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ, मतलब बता
चल क्या रहा है, मतलब तुम जानती थी पापा यहाँ पे? इन्होंने मेरे को बोला कि तुम मेरे बेटे को फंसा रही हो, मैं आपसे इसीलिए इतनी देर से पूछे थे, ये मेरे को बोल रहे थे मेरे बेटे को फंसा रही है, झूठे झूठा इल्जाम लगा रही है, मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। पापा मेरी बात, इन्होंने मेरे को बहुत धमकियां दी थी, तो मैं क्या करती? मेरे को आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आप मेरी बात बोल बोल जल्दी बोल, आप बैठो तो सही प्लीज, मैं बैठ लो बोल, मेरी बात तू ऐसे ही बोल, तू पहले एक बार बैठ के मेरी बात, पहले बोल, उसके बाद कुछ नहीं कहूंगा, आप बैठ के मेरी बात सुनो। मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, मैं इस लड़की के साथ रहना चाहता हूँ, मैं इस लड़के के साथ रहना चाहता हूँ पापा, मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। ये सच कह रही है, ये सच, मतलब ये सच कह रही है, खन्ना खानदान का नाम डुबोना चाहता है बिल्कुल ही है। मैं इससे प्यार करता हूँ पापा, मैं इससे प्यार करता हूँ। क्या ये प्यार है कोई है? मुझे पता है आप नहीं मानोगे कभी भी। क्या कैसे मान लूं, एक नौकरानी के साथ, और वो भी कह रही है वारिस। आप बैठो तो पापा समझो आप, तूने ऐसा क्यों किया ये बता मेरे को, किया किया क्यों ऐसा मुझे बता। मैं बताना ही चाह रहा हूँ आपको, आप सुनो तो, आप क्यों ऐसे लड़ रहे हो? नहीं, अब मेरी बात कम से कम अपनी अपने खानदान की इज्जत का तो ख्याल कर ले कुछ है, कुछ ख्याल किया तूने? एक नौकरानी के साथ ये पता नहीं कहाँ कहाँ मुँह मारे। पापा ऐसी लड़की नहीं है वो, ऐसी संभाल के बात करो, मैंने आपको शुरू में भी कहा था। नहीं, ये बात तूने, तुम मुझे एक बात बता, कैसे कैसे लैंग्वेज यूज करते हैं ये मेरे साथ, आप देख रहे हो कभी? चुप हो जाओ यार, तुम चुप हो जाओ, मैं बात कर रहा हूं ना उनसे, तुमने मेरे को खुद नहीं बताया कि तुम्हारे पास ये मेरे पे इल्जाम पे इल्जाम लग रहा है, क्या बताऊं मैं आपको? बोल तो सकती थी ना मेरे पापा, आप बैठो तो दो मिनट, मेरे बैठने नहीं आया हूं मैं, एक मिनट बैठने नहीं आया हूं, समझो मेरी बात, मेरी बात को मुझे कहने का मौका तो दो। मैं बैठने के लिए नहीं आया, क्या भी देख रहे हो, समझ रहे हो, क्या कहोगे बोलो? आप बैठो पहले एक बार। हां बोलो, बैठो। ये लड़की, आप भी बैठो, बैठो आप भी। मैं इस लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, माना ये नौकरानी है हमारे घर में पापा, मगर मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो हमारे रिश्तेदार जो आने जाने वाले हैं वो क्या कहेंगे हमारे को? ये हमारे खानदान की इज्जत लुटाने वाली बात हो गई ना। रिश्तेदारों से बड़ी आपके बेटे की जिंदगी नहीं है क्या? है रिश्तेदारों की इज्जत से, आपकी इज्जत से बड़ी क्या आपके बेटे की जिंदगी नहीं है? एक ही तो भैया, ऐसे कर दूं बात सुन तो भैया, लेकिन इसको जा यहाँ से, यहाँ से आपके साथ कोई रहने वाला नहीं है, आप क्यों ऐसी बातें कर? ना मैं तो अपना अपना ले और इसको निकल ले यहाँ से, जा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे को, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? बड़ी हो गई क्या इज्जत, मेरे को ये भी तो बता दो, ये दौलत पैसे एक नौकरानी ही बची थी, हाँ ये बता मेरे को पापा, ये लड़की मुझे आप समझते क्यों नहीं? समझू क्या भैया, मैं तुम्हारे तुम्हारे वो अपने बेदखल करता हूँ अपने नाम, मैं तुम्हारे को बेदखल करता हूँ, ये और ये क्या है, ये हैं, ये क्या है? आपके बेटे को ऐसे ही पसंद हूँ मैं, ये ऐसे ही पसंद है तो भैया तुम ऐसे ही ले जाओ, ऐसे मैंने तुम्हारे को बेदखल किया, जाओ अपन। पापा क्यों कर रहे हो आप ऐसा, क्यों कर रहे हो? आपके बेटे की जिंदगी कुछ भी नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है कि आपकी बेटे की जिंदगी जो ये जिंदगी है, मैं प्यार कर लिया नौकरानी के साथ, क्या गलत कर रही है? यही जिंदगी, इसको जिंदगी कहते हैं? आप क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हो, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो इतना, क्यों नहीं समझ पा रहे आप? भैया तुम जाओ, मैं तुम्हारे को बेदखल किया, जाओ बेदखल कर दो, मगर मेरे को है ना अपने से दूर मत करो ना पापा, प्लीज भैया तुम जाओ, जाओ भैया जाओ, पापा समझो ना प्लीज, मैं प्यार करता हूँ उससे, मैं प्यार करता हूँ, तुम करो जाके प्यार, जाओ प्यार करता हूँ उस लड़की से, मैं उससे दूर कैसे हो जाऊँ? जाओ जाओ, तुम भी प्यार करो, जाओ। आप नहीं चाहते मैं बिल्कुल इसके साथ रहूँ? ना मतलब ही नहीं, नहीं तो आप मेरे को अपने साथ नहीं रखोगे ना? अगर ये रहेगी तो मैं, ये नौकरानी हमारे घर में बहू बन के नहीं आ सकती। आप बेदखल कर रहे हो मेरे को, आपने सोच लिया है? हाँ सोच लिया, बिल्कुल सोच लिया, हाँ सोच लिया, बिल्कुल सोच लिया, खत्म करना चाह रहे हो मेरे से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये रहेगी या इसके साथ तुम रहोगे, उसे मैं छोड़ नहीं सकता अकेले, आपकी तबीयत इतनी खराब रखती है, मैं अपनी तबीयत को देख लूंगा जो भी है,
अब तुम मैं नहीं रख सकता, बेदखल किया तुम्हारे को, जाओ भैया जाओ जाओ अपना करो जाओ जाओ। अब ये तुम्हारे को बेदखल किया मैंने, कैसे हो सकते हो इतना पत्थर दिला? पता लग गया कि आपका बेटा खुद ही एक नौकरानी के साथ प्यार करने में लगा पड़ा, नहीं पता लगा? क्या करूं मैं, मुझे बताओ। खानदान खन्ना परिवार, खन्ना परिवार, खन्ना परिवार चला गया अचार लेने के लिए, खन्ना परिवार नहीं हो गया, पता नहीं कौन सी आफत हो गई। अपना बेटा आपका राजी है उसके साथ शादी करने के लिए, आपको कौन सी परेशानी हो रही है? आपके घर की नौकरानी आपके घर की मालकिन बनेगी? ना मैंने बेदखल कर दिया इसको, जा भैया तू भी जा, तू भी जा यहाँ से। तो अपने बेटे को एक लड़की के चक्कर में घर से निकाल रहे हो? और क्या करूं मैं, क्या करूं ना? तो अमीरी का घमंड इतना सर पे छा गया है क्या? अमीरी का घमंड नहीं है, ये इज्जत की बात है। इज्जत भी पैसे के साथ आता है भाई साहब, तो लड़की को अपनाओ ना। एक जो इज्जतदार होते हैं ना, वो गरीबी अमीरी नहीं देखते, वो कहते हैं कि अच्छे घर की लड़की हमें मिल जाए, वो पैसे के पीछे नहीं भागते। ये अच्छे घर की है, ये अच्छे घर की है, ये बताओ इज्जत के लिए किसी को बेघर कर दोगे क्या? नहीं, ये अच्छे घर की है, मुझे बताओ। तो क्या दिक्कत है? अच्छे घर की नहीं है सर, नौकरानी तो थी आपकी, गरीब घर से ही तो है, और क्या दिक्कत है? गलत क्या है उसमें? मेरे को गरीब घराने की लड़की है ना, इसके अलावा क्या दिक्कत है इसमें? मैं नहीं रखूंगा पापा, ये कपड़े बेदखल कर रहे हो। बेदखल कर, आपका बेटा आज के बाद आपके लिए मर गया। नहीं, मैं मर गया इनके लिए। आप अपने बेटे के लिए मर चुके हो, अब आपका बेटा इसके साथ शादी करे, आपका कोई लेना देना नहीं है? इसको जो मर्जी करे, अब मैंने बेदखल कर दिया, मैंने रख लो। नहीं भैया मैं नहीं रख, वो आपके घर पे वारिस देने वाली है, उसके बारे में तो सोचो। नहीं वो मैं कुछ गलत मुंह से निकल गया तो फिर तुम कहोगे गलत बोलता है। मैं क्यों बोलूंगा आपको? आप अपने मालिक खुद दो, आप हमारी थोड़ी ना सुनोगे। एक मिनट भैया, आप नहीं चाहते मैं आपके साथ रहूं, आप बिल्कुल बेदखल कर रहे हैं, आपका लास्ट डिसीजन है। मैंने ठीक है, आपका बेटा भी इतना ज्यादा वो नहीं है जो आपकी प्रॉपर्टी के लिए आ रहे हैं। ठीक, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, बेदखल कर रहे हैं ना आप, सिर्फ इस लड़की के लिए ना, ये तुम्हारे इस रवैये के पीछे। पापा मैंने गलत क्या किया? मेरे ये क्या गलत ये है? जो किया है, मैं प्यार करना गलत हो गया क्या? पहले बताया तुमने। पापा क्या बताऊं आपको, आप बताते के साथ आप तभी गुस्सा करने लगे ना, अब तभी गुस्सा करने लग जाते हैं। रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहता, जोड़ रहा है, पांव पड़ रहा है। नहीं कह रहा हूं, आप मान जाओ, आपका कोई और बेटा है नहीं, 101 लौती औलाद है, उसको भी निकाल दोगे और आप क्या कर रहे हो? मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो लूंगा, मैं आपकी यही इच्छा है? हाँ, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा भैया, मैं इसको नहीं रखना चाहते ना, इस लड़की को आप अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते ना। ठीक है, मैं इसको लेके चला जाऊंगा यहाँ से दूर, मगर मैं रहूंगा इसके साथ पापा, मैं इस लड़की को लेके जा रहा हूँ। रहो, मैं आपकी जो भी बेदखल करना ना आपके घर से, मेरे को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर मैं इसके लड़के के साथ रहना चाहता हूँ बस। गरीब घर से है ना, कोई बात नहीं, मैं इसके साथ कुछ जो मर्जी करो। ठीक है, चलो तुम मेरे साथ, कोई बात नहीं। क्या चलो मेरे साथ? क्या मतलब? तुम्हारे बाप ने तुम्हें बेदखल कर दिया प्रॉपर्टी से, मैं पूरी जिंदगी गरीबी में आई हूँ, गरीबी में रही हूँ, अभी भी मैं गरीबी देखूंगी कि तुम्हारे साथ जाके। अब प्रॉपर्टी तुम्हारे बाप ने तुम्हें दी नहीं, बेदखल घर से कर दिया, तो मैं कहाँ ले लेके घूमूंगी, अकेले में कहाँ घूमू, तुम्हारे साथ भी भिखारी बन के रहूंगी क्या? अब मैं कमाऊंगा, मैं कोई घर पे नहीं कमाओगे, इतना नहीं कमाओगे जो तुम सारे मेरे को ऐशो आराम दे दोगे। यार तुम्हारे को दो वक्त की रोटी, तुम्हारे घर में रह के पूरे ऐशो आराम थे ना यार, मैं तुम्हारे साथ रह रही थी। ठीक है, कह रहे इतना, मैं ना गरीबी में पली हूं, पूरी मैंने गरीबी देखी है। तुम क्यों लड़ रही हो मेरे से उल्टा? तेरे चक्कर में अपने बाप की प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहा यार, तो मैं तुम्हारे घर को वारिस देने वाली हूं, तो क्या गरीबी में पालूंगी मैं उसको? तुम्हारे साथ रह के इतनी प्रॉपर्टी थी, जब ही तो मैंने, मतलब अपने बच्चे को मैं पाल नहीं पाऊंगा या तुम्हें मैं दो वक्त की रोटी नहीं दे सकता? मैं और गरीबी नहीं देख सकती, और अपने बच्चे को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती मैं। ठीक है, तुम इतने बड़े घर के मालिक थे, खन्ना खानदान के वारिस थे, तुम दो साल से मुझसे कानों में चीख रही हो कि शादी 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 कब करो, अब मैं शादी करने के लिए लेके जा, पैसे के साथ शादी कर रही थी, अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या? पूरी जिंदगी मैंने गरीबी में काटी, अब तुम्हारे साथ रह के फिर मैं गरीबी बन जाऊं, है ना, यही चाहते हो क्या तुम? मतलब तुम्हें इज्जत की लड़की तेरे साथ नहीं, तेरे पैसे के साथ शादी कर रही थी, मतलब तुम, तेरे बाप ने तेरे को बेदखल कर दिया, बेदखल करते ही तेरा हाथ छोड़ दिया उसने, मेरी प्रॉपर्टी के लिए तुम ये सब कर रही हो। ठीक है, मतलब तुम प्रॉपर्टी के लिए ही ये सब कर रही थी, तो गरीबी में रहूं क्या? प्रॉपर्टी के लिए कर रही थी तो प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए ना हर कोई करता है। ठीक है, बड़ा ड्रामा, दो साल से तुमने लगा रखा है, मैंने क्या ड्रामा किया?
मैंने क्या ड्रामा किया, पैसे और मांग लेती। मेरे को पैसे थोड़े नहीं चाहिए, ठीक है? वारिस देने वाले पूरे घर की ना वारिस बनेगा मेरा बेटा, ठीक है? बेटी ने फंसा रखा है, मैं तो पता नहीं कैसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया जहाँ पे ना बाप ना मेरे साथ कोई। मैं तुम्हारे साथ इसलिए रह रही थी यार, मेरे मैं तुम्हारे साथ इसलिए रह रही थी कि हाँ तुम इतने खन्ना खानदान के इतने इकलौते वारिस हो तुम, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो। लेकिन तुम्हारी वजह से रहा नहीं ना। हाँ तो तुम्हारा बाप रख लेगा ना तुम्हें। अब देख लो, बोलो ना भाई साहब, क्या बोलूं खड़े हो गए मुझे नहीं जाना। बेटे ने आपको लड़की के चक्कर में छोड़ दिया और वही लड़की ने पैसे के चक्कर में इसको छोड़ दिया। अब बताओ चक्कर में तुम इतना गिर गए, कैसे समझाता हूं मैं इसको। दिखा कि तुम एक बाप को अपने बेटे से दूर कर रहे हो, तुम ही दूर कर रहे हो। तुम मेरे से प्यार करते थे लेकिन हाँ मैंने इसलिए कर रही थी तुमसे प्यार कि हाँ भाई तुम अपने घर में रहोगे, बाप निकाल देगा तो कहाँ जाएंगे, इसलिए पूछ रही थी तुम। मैं इसलिए नहीं पूछ रही थी। बस यार तुम्हारा मास्टरमाइंड दो साल देख लिया तुमने, लग गया तुम्हारा, देख लिया तुमने तुम्हारे को सैलरी बढ़ा के देने वाला मैं। क्या चाहिए, क्या देख लिया तेरे को, प्रेजेंट गिफ्ट करने वाला मैं। इतनी सैलरी में और ये प्रेजेंट देने में क्या होता है, क्या होता कभी कभार भाई, क्या होता तुम कहीं और जाके नौकरी देख लेती, क्या होता पता चल जाता। कहीं और जाके नौकरी क्यों नहीं देखी तुमने, चला आ जा, दिख गया तेरे को, दिख गया और कर ले शादी और अपने बाप को छोड़ के जाए इस हालत में। छोटे से बड़ा तेरे को तेरे बाप ने करा, और जब तेरे बाप को तेरी जरूरत है तो तू अपने बाप को कह रहा है कि मैं इस लड़की के चक्कर में तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ, और तेरे को लड़की ने पैसे के चक्कर में छोड़ दिया सामने सामने, ये भी नहीं यहाँ से जाने के बाद छोड़ा हो। अगली मुंह पे पलट रही है यार, आपको थोड़ी शर्म है, तुम्हारे साथ जाके पीछे खींचा तू तो, आपको थोड़ी शर्म है, हट गई यार आप में थोड़ी शर्म बची है। आपने जो ये सब वारिस वारिस की बातें कर रहे हो, सिर्फ पैसे का ढोंग था क्या ये, या सच में कुछ ऐसी चीज है इसलिए बड़े लोगों से पैसे के लिए एक मिनट क्या ये वारिस वारिस वाली चीजें हैं, सारा ढोंग करा पैसे के चक्कर में। मैं इनके साथ रहना चाहती थी। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, आपका कोई वारिस है भी इस खन्ना खानदान का, या सारा ढोंग था पैसे के चक्कर में? अब बोलोगी सच, बोलना। हाँ है वारिस है। हाँ तो उस वारिस को छोड़ रही हो तुम, मतलब इसको छोड़ रही हो तो उसको मैं किसका इसको नाम छोड़ रही हूं, लेकिन ये नहीं है कि मैं इनके ऐसे ही चली जाऊंगी, ऐसे ही नहीं जाऊंगी इसको मैं। तो इसमें का का एक मिनट, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो इनके नाम पे, इसने तो इसको निकाल दिया, कुछ नहीं है, नाम भी देना पड़ेगा। किस चीज का? ओए मैंने निकाल दिया इसको, वो मैं नहीं जानती कुछ नहीं। बाबा जी का ठुल्लू ले ले, सही हुआ तुम्हारे साथ, मेरे को तो मेरे बाप ने निकाली दिया। लड़की के चक्कर में मांग रही हो तो। इस बेटे ने लड़की के चक्कर में बाप को छोड़ा और लड़की ने पैसे के चक्कर में लड़के को छोड़ा, एक ही घर में। तो बड़े सपने सजा के आई थी कि खन्ना खानदान की नौकरानी से बहुरानी बनूंगी, बन लो और बहुरानी लगा लेना केस, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, खाली नील पड़ा ये कि फोन और ये कपड़े भी चाहे ना इसका बाप, अभी इससे ले ले, इसका अपना है ही क्या, अपनी असलियत कर दी सामने। जब तू आई थी तेरे को पता था आने से पहले कि यहाँ पे कैमरा लगा पड़ा है, देख ले तेरी बहुरानी ने तेरे बाप ने मिलके कैमरा लगवाया था। अब फंसाओ तुम इसको या इसको, मैं तेरे को बताऊंगा कैसे होता है फंसाना। ये फंसवा रही थी उल्टा मुझे, ये कह रही थी कि ये मेरे प्यार में अंधा है और मैं इसे शादी करना चाहता हूँ और मैं इनके घर में एक वारिस देने वाली हूँ। कितनी गिर सकती हो, मैंने पैसों के लिए सोचा भी नहीं था, मेरे बाप मैं थोड़ी ना आई थी, तुम भी तो आए थे ना मेरे पास, बुलाया तुमने यहाँ पे, ये जो कैमरा लगवा के तुम ये सारे करवा रही हो ना, ऊपर से मेरे बाप के साथ जो रिश्ता था तुमने वो भी नहीं छोड़ा, और क्या करवा के मानोगी, और क्या चाहिए तुम्हें, और क्या देखना चाहता है तू ये बता मेरे को। बर्बादी देख रहा हूँ अपनी आंखों से, और क्या देखूं, क्या देखूं मैं, आप बताइए मुझे। वो कह रही है कि जो मेरा वारिस है उसके चक्कर में प्रॉपर्टी लूंगी, अब प्रॉपर्टी भी हाथ नहीं लगेगी मैडम। प्रॉपर्टी किस बेस पे मांग रही है? वैसे भी कहते हैं ना जिसको वो क्या कहते हैं, जिसको जिसने घी खाया ना और उसको इतना घी दे दो तो उसको हजम नहीं होगा, हजम नहीं होगा, और वही हो रहा। सही किया मेरे बीड़ी वाले को, बीड़ी वाले को सिगरेट दोगे तो उसको यही तो होगा, उसकी तबीयत ही तो खराब होगी, वही हो रहा। जिसको संतरा पीने की आदत है उसको तुम लेके दोगे जेमसन की बोतल तो यही तो होगा भाई साहब। इनको बीड़ी वालों को बीड़ी दो, संतरे वालों को संतरा दो, जेमसन की बोतल को खराब मत करो, लो कर लो शादी जी, मुझे नहीं दे दो अपना वारिस, कहाँ है वारिस, अच्छा आने में टाइम लगेगा, दे दो। उसके भी पैसे तोल रखे हैं क्या तुमने? तो उसी के चक्कर में तो वारिस हुआ है कि तेरे से पैसे लेगी, उसी के चक्कर में तेरे से पैसे लेगी, उसी चक्कर में तो ये वारिस है।
इतनी बड़ी लालच में खुद ही पागल हो गई, खुद ही भूल गई कि यहाँ पे कैमरा लगा पड़ा। और कर लालच, कितनी लालची हो तुम, इतना तुम्हें पैसे देने के बाद भी तुम्हारे को जरा सा भी। अरे वो मैं तो इसको देख के हैरान हूँ, ये कैसे कैसे रंग बदल रही है। तो ये लड़की ना इधर की है ना इधर की, कहीं की भी नहीं, ज्यादा सैलरी बढ़ाने के बाद भी तुम्हारा ये है सर। अरे भैया कोई नहीं था बाबू भैया, पैसों का चक्कर था और कुछ नहीं था। सही कह रहे हो भाई, पैसा अब तेरे पास, अब तेरे बाप ने तेरे को प्रॉपर्टी से लादवा कर दिया तो वो कह रही है कि मैं तेरे साथ थोड़ी ना रहूंगी जिंदगी भर, गरीबी में जीऊंगी तो अब थोड़ी ना गरीबी में जीऊंगी। अब इसको ये लग रहा है कि ये जो वारिस देने वाली है ना, इसके बदले में इसको पैसे मिलेंगे। क्या मिलेगा? इसके बाप ने वीडियो में ही बोल दिया कि मैंने इसको घर से निकाल दिया, अब केस करेगी इसके ऊपर, इसके ऊपर इसके पास कुछ है ही नहीं। अब इसको एक काम करियो, खुद ही घुमाइयो, ठीक है? गली गली के जब ठोकरे खाएगी ना, जब तेरे को पता लगेगी कि आजकल की दुनिया कैसी है। और अब मैं तो शादी जहाँ पे थोड़ी इज्जत मिल गई ना, वहाँ पे आपसे इज्जत हजम नहीं हुई मैडम। वो अपना ये अपने बाप की करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के तेरे साथ शादी करने वाला था, जबकि तू एक नौकरानी थी, उसके बाद भी तूने पैसों और प्रॉपर्टी के चक्कर में अपना रंग दिखा दिया। भाई वो हजम नहीं हुआ ना उसे, और चाहिए थे ना उसको और पैसे। देख लिया सच्चाई, पर आज हमने ये सीखा कि नौकरानी को नौकरानी रहने दो और बहुरानी को बहुरानी रहने दो। जिसको संतरा पीना उसको संतरा दो, जिसको जेगर चाहिए ना उसको जेगर की बोतल दो विद रेड बुल के साथ। करवा दिए सर, अब आगे से ध्यान रखें। क्या ध्यान रखूं मेरे को? अब तो एक सा है कि मेरी बात सुन लो अभी, इसको जो है इसको एक मिनट मैडम मेरी बात सुन लो अभी, ज्यादा अपना मिठास मत दिखाओ। इसके बाप ने वीडियो में ये बोल दिया कि मैंने इसको निकाल दिया, अब अगर आप कल के दिन केस भी करोगे तो ये वीडियो हम लेके जाएंगे, हम दिखाएंगे जी देख लो बाप ने बेटे को तो पहले ही निकाल दिया था। क्या सफाइयां देना चाहती हो? क्या सफाइयां दे के क्या क्या? अरे क्या सफाइयां करना है यार, इसको निकालना है यहाँ से, नहीं रहना। अपने प्यार को धक्का दे, अरे अपने प्यार को धक्का दे के निकाल यार, बहुत ड्रामा हो गया यहाँ पे, ठीक है? यही सब थोड़ी ना करने के लिए आए हम। चले जाओ तुम यहाँ से, मेरे को कोई सफाई नहीं। अपने प्यार को धक्का मार के निकालो, साला समझ नहीं आता ये प्यार हो गया चाइना का कोई मटेरियल हो गया, आए दिन खराब हो रहा, आए दिन खराब हो रहा। इतनी तो टेस्ला की गाड़ी भी खराब नहीं होती जितनी यहाँ पे लोगों की नीयतें खराब हो रही है। अभी मैंने एक लड़की के चक्कर में अपने बाप से मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तू भी चाइनीज होगा, ये आपका अपना खून है जी भैया, था तो अपना। तो अब इसको क्या हो गया? इसके खून में पानी वानी डाल दिया क्या गरम, या इससे खून निकाल के इसके अंदर कोई कलर वलर डाल दिया आपने? ये पता नहीं क्या क्या करवाया है इसने। ए, रोने धोने का डोंग मत दिखा यहाँ पे, दिख गई तेरी असलियत के लड़की के चक्कर में बाप को छोड़ के जा रहा था। तेरे तो दो थप्पड़ मारने का मन कर रहा, वो तो अलग बात है कि YouTube पे वो इंसाने लग गया मारपीट का, नहीं तो अभी तक तेरा मैं मोर बना चुका होता। शुक्र मना YouTube का कि वॉयलेंस आता है, नहीं तो तेरा वॉयलेंस हो जाता दो मिनट में। या कैमरा बंद करके मिलू तेरे साथ? गलती हो गई गाइस, देख लिया नहीं? देखा ही होगा आपने, मैं क्या ही बता रहा हूँ आपको, मेरे से ज्यादा आपने देखा होगा। हर एंगल देख रहे थे आप तो, कब कौन क्या कर रहा है, कब कौन क्या कर रहा है। मैं तो बेचारा पीछे आके खड़ा हो जाता हूँ। अगर मैं इनसे, जो लोग आते हैं ना हेल्प के लिए, इनसे फीस लेने लग जाऊंगा ना, तो एक ग्रेटर कैलाश में अपने लिए एक महीने में कोठी ले लूंगा। लेकिन हमें भी भाई हजम थोड़ी ना होगा कि हम भी वही फ्लैटों में रहने वाले बंदे, उसी में खुश है। देख लिया, लालच नहीं करनी। लेके जा अपने बाप को यहाँ से। और गाइस ये तो अपने बाप को लेके जा रहा, अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम आपको मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।